ओके सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डॉम. तो मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि मेरे बॉडी में एक एच वन है, एक पैराग्राफ है विद सम टेक्स्ट और एक यूएल है. यूएल के अंदर पांच एलआईज हैं और हर एलआई के अंदर एक एंकर है और उसके अंदर कुछ मजीद टेक्स्ट है. ठीक. नाउ ये मेरे पास ये चीज आ गई. अब डॉम क्या होता है जरा इसको समझिएगा. ये बातें तो आपको पता है, ये एलिमेंट्स क्रिएट करने आपको आते हैं. जितने भी एचटीएमएल के एलिमेंट्स हैं इस केस में, एच वन है ऊपर भी है ऑब्वियसली बॉडी हेड भी. मैं सिर्फ बॉडी के अंदर ही स्टार्ट करूं. एच वन टैग्स को नॉर्मली हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं. ठीक. टैग एचटीएमएल की जुबान में बोलते हैं और एनी टैग को जावास्क्रिप्ट की जुबान में एलिमेंट्स बोलते हैं. तो अब मैं एलिमेंट कहूं या टैग कहूं, आपने एक ही चीज समझना है उसको. ठीक है. सिर्फ बीच में फर्क डिफ्रेंसिएशन रखनी है कि एलिमेंट किधर कहलाते हैं. अब देखें, ये एच वन एक एलिमेंट है, ये पी दूसरा एलिमेंट है, ये यूएल तीसरा एलिमेंट है, एलआई चौथा एलिमेंट है, एंकर टैग पांचवा एलिमेंट है. तो जब ये मेरा कोड ब्राउजर में रेंडर होता है, ये एचटीएमएल का कोड ब्राउजर में रेंडर होता है, तो ब्राउजर तमाम एलिमेंट्स को खुद बखुद ऑब्जेक्ट्स में बदल देता है. आई रिपीट, जब एचटीएमएल का कोड ब्राउजर में रेंडर होता है तो ब्राउजर तमाम एचटीएमएल एलिमेंट्स को ऑब्जेक्ट्स में बदल देता है. अब तो रिकॉर्डिंग हो रही है यार, आप तो क्यों लिख रहे हैं? समझने पे फोकस करें ना, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इस तरह. जब एचटीएमएल का कोड ब्राउजर में रेंडर होता है तो जितने भी एचटीएमएल एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम क्या बन जाते हैं? कौन बनाता है? ब्राउजर खुद. ठीक. अब इसलिए हम इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट. और इसके अंदर जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. अगर स्क्रॉलिंग नहीं है तो यही व्यू पोर्ट है, यही डॉक्यूमेंट है. अगर स्क्रॉल आ जाए तो फिर करंट विजिबल एरिया व्यू पोर्ट और ऊपर ओवरऑल सारा डॉक्यूमेंट. ठीक. तो अभी यही डॉक्यूमेंट, यही व्यू पोर्ट. तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. अब नॉर्मली एक डायग्राम भी देखिएगा कि जब हम एचटीएमएल लिखते हैं तो हमारे पास एक ट्री बनता है. सबसे टॉप पे हमारे पास एचटीएमएल होता है, रूट एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं. रूट एलिमेंट यही है ना एचटीएमएल. एचटीएमएल के अंदर हमारे पास दो डायरेक्ट चिल्ड्रन होते हैं. कौन कौन से? हेड और बॉडी. ऐसे ही होता है ना. तो मैं कहता हूं कि एचटीएमएल के अंदर डायरेक्ट एक है हमारा हेड और दूसरा है हमारा बॉडी. अब इस केस में हेड के अंदर बहुत सारे और टैग्स भी होते हैं. फिलहाल हम सिर्फ एक बात करें, टाइटल, क्योंकि हमारा ज्यादा कंसर्न उसके साथ है, बॉडी के साथ. तो हेड के अंदर क्या है? टाइटल. और बॉडी के अंदर क्या है हमारे पास? एच वन, पी, यूएल, उसके अंदर एलआई, उसके अंदर एंकर, उसके अंदर टेक्स्ट. तो मैं सारे को इसको ट्री फॉर्म में सर करूं. एक एच वन बॉडी में, एक पैराग्राफ है बॉडी में और एक यूएलआई है बॉडी में. ये तीन डायरेक्ट चिल्ड्रन हैं बॉडी के. सो दिस इज काइंड ऑफ एच वन, this is kind of UL, this is kind of P. अब UL के अंदर फिर कितने एलाइज हैं? पांच एलाइज हैं. सो मैं UL के अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच. ये डॉम समझ में आ गई तो बहुत आसान होंगे आप. This is LI. This is LI. This is again LI. This is LI. And this is LI. और LIs के अंदर क्या है? Anchor. हर एक LI के अंदर अपना अपना anchor.
और इस एंकर के अंदर भी स्पैन हो सकता है, जो मर्जी डालना चाहे वो हो सकता है। टेक्स्ट है बिल्कुल, ये नोड, ठीक। बताता हूं, ये एक ट्री बन गया, जब भी HTML को ब्राउजर रेंडर करता है तो सारे एलिमेंट्स को क्या बना देता है, एक ट्री बना देता है, और दैट ट्री एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट चाइल्ड हायरार्की या इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट चाइल्ड नोड्स। क्लियर हो गई बात? तो ये सुन लेना, मैं मुझे बात पूरी करने दे, फिर ना सब क्लियर हो जाओ तो मैं फिर दूंगा। इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरे वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग HTML element is called as DOM tree. DOM tree क्या होता है? DOM tree consists of nodes, HTML nodes. अब जिनको मैं element बोल रहा था उन्हीं को क्या बोल रहा हूँ? Nodes बोल रहा हूँ. Nodes दो तरह के होते हैं, element nodes, text nodes. Got it? अब ये देखें, ये parent node है, ये element node है, ये भी element node है, ये भी element node है, और आप H1 के अंदर भी क्या है, टेक्स्ट नोड है। H1 के अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट लिखा होता है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेक्स्ट नोड। ट्री में नोड क्या होता है, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो क्या है बेसिकली, तो ये भी तो ब्रांचेस ही है ना। अब UL में UL का चाइल्ड क्या है, HTML नोड या एलिमेंट नोड। इसके अंदर एंकर टैग क्या है, एलिमेंट नोड, और उसके अंदर सिम टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट नोड। तो ये सारे क्या है, आप ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉडी ऑब्जेक्ट है, H1 ऑब्जेक्ट है, UL ऑब्जेक्ट है, P ऑब्जेक्ट है। तो हमने तो HTML एलिमेंट लिखा था, तो ब्राउजर ने खुद इन तमाम HTML एलिमेंट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, डॉम नोड्स में, ये डॉम ट्री में बदल दिया उसको, और वो ट्री लुक्स लाइक दैट, कि सबसे ग्रैंड पेरेंट कौन है HTML, उसके दो चिल्ड्रन है। अब इनका आपस में ताल्लुक जरा बताएं, आप सारे भाई आपस में क्या लग रहे होते हैं, सिबलिंग्स। तो ये जितने भी एक लेवल पे है ना, ये सारे आपस में क्या है, ये एक ही लेवल पे है ना, सिबलिंग्स है, इनका पेरेंट एक है। तो सिबलिंग की क्या डेफिनेशन है, जो पेरेंट को शेयर करें, जिनका पेरेंट कंबाइन हो, यानी इन तीनों का पेरेंट एक है, तो वो क्या है, सिबलिंग्स है। ये सारे आपस में क्या है, एलाइज। इनका पेरेंट कौन है, AQL। ये एंकर टैग्स सारे क्या है, ये आपस में क्या है, सिबलिंग्स नहीं है, क्योंकि इनका पेरेंट एक नहीं है, तो ये अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पेरेंट के चाइल्ड है। अगर इस LI में कुछ और होता, यानी LI में एंकर टैग के अलावा एक स्पैन भी होता, तो वो दोनों आपस में क्या होते, सिबलिंग होते। समझ आ गई बात? इसी तरह ये सिबलिंग पेरेंट, अगर किसी एक एलिमेंट को पकड़ लें, किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ें, लेट सपोज इसको पकड़ लें, इस एलिमेंट के ऊपर जितने भी हैं वो सारे इसके एंसेस्टर्स के लगेंगे, अबाव अजदाद। यानी किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ें, उस एलिमेंट से ऊपर जितने भी हैं वो सारे उसके क्या कहलाएंगे, और इसके नीचे सारे क्या कहलाएंगे, इसके डिसेंडेंट्स। क्या कहलाएंगे, डिसेंडेंट्स, आप और आपके आगे आल औलाद, और ancestors, आप और आपसे ऊपर के सारे पेरेंट्स जो गुजर चुके, चिल्ड्रन, चाइल्ड, पेरेंट, ancestors, descendants, siblings, ये सारी टर्म्स आपको याद होने चाहिए। और ये सारी के सारी किससे रिलेटेड टर्म्स है, डॉम ट्री की, एंड दिस इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये पूरा ट्री एक मॉडल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, और उसमें क्या होते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वो खुद कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होता है, सारा कुछ डॉक्यूमेंट। क्लियर हो गई बात? अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
तो डॉक्यूमेंट डॉट नोटेशन किसके साथ इस्तेमाल होती है? पीछे इमाम साहब के पास, जो उन्होंने बोला वो आपने भी बोल दिया। डॉट नोटेशन किसके लिए इस्तेमाल होती है? क्लास हमने पढ़ी है कहीं? हम सी एस एस पढ़ रहे हैं, हम सी एस एस पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी को हाथ आना नहीं चल सकते ऑब्जेक्ट के बगैर, पकड़ लें थाम के इसको। डॉट ऑपरेटर बेटा किस लिए यूज होता है? पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, उसकी दो प्रॉपर्टीज है, एक फंक्शन है। तो ऑब्जेक्ट की किसी भी चीज को पर्सन डॉट नेम, तो डॉट नोटेशन किस लिए इस्तेमाल होती है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्ट का फंक्शन उसको एक्सेस करने के लिए। अब इधर देखें जरा, मैंने पर्सन डॉट नेम किया तो प्रॉपर्टी एक्सेस हुई, पर्सन डॉट डिस्प्ले किया तो क्या एक्सेस होगा इसका? फंक्शन। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट्स के अंदर फंक्शंस और प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। अब मैंने जब लिखा डॉक्यूमेंट और डॉट राइट, तो अब बताएं जरा ये क्या है? डिस्प्ले तो कराया है ना, वो तो इसका पर्पज है। ये है क्या, शक्ल से क्या दिख रहा है आपको? डॉक्यूमेंट क्या है? फंक्शन की ये नोटेशन होती है, फंक्शन की कॉल की नोटेशन तो होती है, उसके आगे पैरेंथेसिस आ रही होती हैं, तो राइट फंक्शन है। डॉक्यूमेंट क्या है मेरे बच्चे? ये ऊपर देख रहे हो, ये पर्सन क्या है? ओप्स, पर्सन क्या है? वेरिएबल का नेम जरूर है, लेकिन बेटा वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है हमने उसको डिनोट करना है। जैसे मार्क्स है आगे, अगर अरे उसमें असाइन हो रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वेरिएबल है इसमें अरे असाइन हो रही है, हम सीधा सीधा कहेंगे मार्क्स अरे है। यानी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन के लिए तो पर्सन लिखा हुआ है ना, तो हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, डॉट के बाद उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी या फंक्शन होता है। तो क्या निशानी है प्रॉपर्टी या फंक्शन? अगर पैरेंथेसिस होंगे तो फंक्शन, पैरेंथेसिस नहीं होंगे तो प्रॉपर्टी। क्लियर? डॉक्यूमेंट क्या है? अब आप सवाल करेंगे ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, हमने तो कहीं लिखा ही नहीं। तो ये यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, देयर आर टन्स ऑफ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स इन द जावास्क्रिप्ट। तो डॉक्यूमेंट क्या है बेसिकली? और ये बिल्ट इन से भी ज्यादा करेक्ट टर्म पता है क्या है? कि ये बेसिकली वही डॉक्यूमेंट है जो बॉडी को कन्वर्ट किया गया है डॉम में ब्राउजर ने। गॉट इट? तो अब आपको याद रखने हैं कि इसके कितने कितने सारे, यानी जाहिर है मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज और फंक्शंस ही होते हैं, तो अब जाहिर है प्रॉपर्टीज भी मल्टीपल हो सकती हैं और फंक्शंस भी मल्टीपल हो सकते हैं। सीधी सी बात है भाई, किसी भी वर्ड के साथ डॉट लगा हो ना जावास्क्रिप्ट में, समझें डॉट के पीछे वाला ऑब्जेक्ट है सादी सी जुबान में, और डॉट के आगे वाला जो वर्ड है उसके साथ अगर पैरेंथेसिस होंगी तो वो फंक्शन होगा, पैरेंथेसिस नहीं होगी तो वो इन्हीं जी कहानी है। ये भी समझ नहीं आई तो मैं दोबारा क्लियर करूं, आ गई है? ओके, तो अब ये तो मैंने समझाने के लिए दोबारा लिखा डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट क्या है, और ये डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे वाले वाइट एरिया को। अब डॉट राइट में आप कुछ भी लिखेंगे
मजे की बात सुने, जरा आप गौर से देखिएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने क्या लिखा, हेलो। तो डॉक्यूमेंट क्या है, ये पूरा वाइट एरिया, जब मैं इसे हेलो पहले से लिखा है ना, लेट मी शो यू समथिंग एल्स। तो अब मैं अगर इसे रिफ्रेश करूंगा, इसने क्या लिखा, टेस्ट। ये सारा कुछ HTML से आ रहा है और ये किससे आ रहा है, समझ आ गई बात। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सिर्फ आप टेक्स्ट नहीं, पूरा का पूरा HTML लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसे H1 में लिख दूं, नहीं ये हम चूंकि मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख रहे हैं ना, खालस HTML हो या खालस जावास्क्रिप्ट हो तो उधर सजेशन काम करती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए आप पूरी की पूरी HTML लिख सकते हैं, ठीक। तो डॉक्यूमेंट का समझ आ गया कि आपने पूरे उस पेज से, विजिबल स्क्रीन से किसी भी चीज तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको क्या टारगेट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट, क्योंकि बाकी सब कुछ किसके अंदर पड़ा हुआ है। अब अगला सवाल, जिस तरह डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक फंक्शन है ना, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन है राइट, इसी तरह डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बहुत सारे और फंक्शन हैं। लेट सपोज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एलिमेंट क्या होता है, टैग एलिमेंट होता है, तो बिल्ट इन फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट में जाओ और एक एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी, इसकी आईडी क्या है, इच है। तो मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इच, और इसको स्टोर कर दो किसी भी एक वेरिएबल में, इसको मैं कर देता हूं डिलीट। अब ये भी मैंने क्या किया है, डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक एलिमेंट था जिसकी आईडी क्या थी, इच, और मैंने उसे कहा उसे गेट करो और मुझे वापस क्या दे दो, वेरिएबल में असाइन कर दो। अब मैं इस एच को जरा डिस्प्ले करता हूं, कंसोल डॉट लॉग एच, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट, पूरा एलिमेंट गेट करो। अब मुझे ये बताएं कि डॉक्यूमेंट क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, आपको कैसे पता चला, वेरी गुड। अब इसमें पूरा एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो एलिमेंट किस फॉर्म में पड़ा होता है, ओ भाई ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट्स को क्या समझा जाता है, तो H में क्या पड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, प्रॉपर्टीज। और अब अगर मैं H डॉट इनर टेक्स्ट लिखूंगा तो ये H क्या है और इनर टेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी है, कैसे पता चला, तो ये H1 डॉट इनर टेक्स्ट क्या करेगा, ये पूरा एलिमेंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर पड़ा हुआ हेलो चाहिए, ये हेलो देगा। आपके सवाल का जवाब सर आ गया। अब जरा देखिएगा, मैं इसी चीज को जरा रिफाइन कर रहा हूं, मैं एक बॉक्स बनाता हूं, इस बॉक्स को मैं कहता हूं गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहां भी मैं करता हूं जी var a equals to prompt enter a number b equals to enter number
और रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी. अब आपको ये पता है सी ए आर, ए और बी नॉर्मली तो काम नहीं करेंगे जब तक हम उन्हें पार्स नहीं करेंगे. पार्स इंट, पहले ए को पार्स करो, फिर उसको प्लस कर दो किसके साथ, बी को पार्स करके उसके साथ. बिल्कुल ऐसे ही ठीक. रिजल्ट किधर आ गया, आर में. फिर आपने गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट बॉक्स को गेट किया और उसको h डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू r. h डॉट इनर टेक्स्ट क्या देगा, उस बॉक्स का अंदर पड़ा हुआ टेक्स्ट. ये अब देगा नहीं, हम h डॉट इनर html में एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि ये वैल्यू लो और h के इनर टेक्स्ट में जाके रख दो. मेक सेंस? इस बॉक्स को थोड़ा सा हम स्टाइल भी दे दें ताकि आपको समझ भी आए कि ये कैसा दिखता है. लेट्स सी, विड्थ इज गोइंग टू बी लाइक 100 पिक्सल्स, हाइट इज आल्सो गोइंग टू बी 100 पिक्सल्स और BGC is going to be F00. कोई मसला मसाइल कुछ है? नहीं, ये तो आप को HTML नहीं आती कर लो. ये मेरा मुझे HTML सारी आती है HTML सारी आती है, मैं सेंटर में कैसे लाना है? क्यों भजन, सेपरेशन ऑफ कंसर्न का क्या मतलब है? CSS CSS में लिखी जाएगी, HTML HTML में लिखी जाएगी और JS JS में लिखा जाएगा. दैट्स इट. कोई मसला? मुझे पता लग गया था 3 मिनट और इंदे बहुत हो गया.